हेलो दोस्तों, आज हम बनाने चल रहे हैं तुरोई की ग्रेवी वाली सब्जी। इसके लिए हमने देखे तुरोई ले ली है। अब इसको हम पहले छील लेंगे, बढ़िया से सारी तुरोई हमें छील लेनी है। देखिए इसी तरह से हमें बाकी सारी भी छील लेनी है, एकदम साफ सुथरी। दोस्तों ये हमने सारी तुरोई को छील लिया है। अब हम तुरोई काट लेंगे इस तरीके की। दोस्तों इस तरह से हमें काटना है, एक में हमें चार पीस करना है इस तरीके का, ऐसे इसी तरीके से हमें सारी काट लेनी है। दोस्तों इसी तरह से हमें सारी तुरोई काट लेनी है। ये देखिए इसको पहले धुल लेते हैं, पहले धुल करके तब काटते हैं। इसको काट करके कभी नहीं धुला जाता है, नहीं कि पानी सोख लेता है। और दोस्तों इसमें हमने चार आलू ले लिया छोटी छोटी, अब इनको भी काट लेंगे। और ये तड़के के लिए हमने लिया है ये छोटे से दो मीडियम साइज़ के प्याज, और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा, दो जवा लहसुन, और ये 4 हरी मिर्चें, इनको भी हम काट लेंगे बारीक बारीक तड़के के लिए। पहले हम आलू काट लेते हैं सब्जी में डालने के लिए। दोस्तों मेरा तेल कढ़ाई में डाल दी थी, तेल गर्म हो गया, अब इसमें हम डाल देंगे तड़का। जब तक कि मेरा तड़का पक रहा है तब तक हम बना लेते हैं मसाले। मसालों के लिए हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर 1.5 चम्मच, तीखा अपने हिसाब से रखिएगा आप। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ मैं, और 1 चम्मच ये गरम मसाला पड़ेगा इसमें, और ये 2 चम्मच इसमें पड़ेगा ये धनिया पाउडर। इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच किचन किंग मसाला। दोस्तों ये प्याज थोड़ा सा पक गया है, इसमें हम डाल देंगे इसी टाइम में आलू, जो हमने सब्जी में डालने के लिए आलू रखा था। अब इसको भी थोड़ा हम भूनेंगे प्याज से। अब इसी में हम डाल देंगे ये नमक स्वाद अनुसार। थोड़ा पानी डाल करके मसालों को भिगो देंगे। ये आलू हमारा भून चुका है, अब इसी में डाल देंगे मसाले। देखिए दोस्तों हमारा जो है ये आलू मसाले अलग हो गए हैं। अब इसी टाइम हमें ये डाल देना है, ये हमने तुरोई काट रखी थी जो, इसको डाल देना है। इसको पहले से नहीं डालना चाहिए, पहले मसाले भून कर तभी डालो दोस्तों, क्योंकि तुरोई अपना पानी छोड़ता है। तो फिर जो है अब इसको भी हम कुछ देर भूनेंगे। देखिए दोस्तों ये तुरोई अपना पानी छोड़ रहा है, अभी हम इसको थोड़ी देर और भूनेंगे। जब ये अपना पानी छोड़ करके पूरा अच्छे से हो जाए तब भून लेते हैं हम, तभी इसमें पानी डालेंगे। अभी इसको हम थोड़ा देर और भूनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों ये तुरोई अपना पानी छोड़ दिया है पूरी तरीके से, अभी हम इसको थोड़ा सा चला लेते हैं। देखिए एकदम बहुत ही बढ़िया, जब ये पानी छोड़ लेता है तो बिल्कुल गलने के उस पे आ जाता है दोस्तों, तभी हमें इसमें पानी डालना चाहिए। और इससे जो है ज़्यादा पानी नहीं डालना है, ग्रेवी वाली सब्जी हम बनाएंगे तो थोड़ी सी जो है गाढ़ी ही रखेंगे। दोस्तों इसकी सब्जी बहुत ही बढ़िया बन के होती है तैयार। आप चावल से खाओ, रोटी खाओ, आप ऐसे भी किसी चीज़ से भी खाओ, ये बहुत ही अच्छा होता है। और एक तो फ़ायदा भी बहुत है इसको खाने से, इसमें जो है हरी सब्जी है तो आपको पता ही है। तो दोस्तों हम इसको पकाएंगे। देखिए दोस्तों सब्जी हो गई है तैयार, एकदम बढ़िया सी, एकदम न ज़्यादा पतली है न ज़्यादा गाढ़ी, मीडियम में। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में। देखिए दोस्तों सब्जी हो गई है तैयार, एकदम बहुत बढ़िया बनी है। दोस्तों बनाइएगा, खाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी हमारी रेसिपी। पसंद आए तो जो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, करना मत भूलिए प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।